हिस्सा रोका। नमस्कार, आप सभी दर्शकों का स्वागत है समय चक्र में। मैं हूं आपके साथ नंदिनी यादव। आज हमारे साथ मौजूद है पंडित रामजी मिश्र। पंडित जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम समय चक्र में। नमस्कार पंडित जी, सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे कि सूर्य ग्रह का जातक की कुंडली पर क्या प्रभाव पड़ता है। ओम आ कृष्णेन रजसा वर्तमानो निवेशयन् रतन् रतन् च हिरण्येन सविता रतेन देवो याति भुवनानि पश्यन्। ओम घृण सूर्याय नमः। और आज हम चर्चा करेंगे सूर्य ग्रह के बारे में। सूर्य ग्रह जो पूरे जगत को प्रकाशमान करने वाला है, पूरे जगत आदि और अंत से भगवान भास्कर ही पूरे चराचर जगत में व्याप्त हैं और पूरे चराचर जगत में सूर्य के ही प्रकाश से प्रकाशित है पूरा जगत। उनको ज्योतिष का सबसे बड़ा ज्योतिष में भगवान सूर्य को ही माना गया है। सूर्य ग्रहों के राजा हैं और सूर्य का प्रभाव पूरे जगत पे बहुत तीव्र गति से पड़ता है। सूर्य एक आत्म तत्व कारक ग्रह है और सूर्य से ज्योतिष में नेत्र का विचार और पिता का विचार, शरीर में हड्डियों का विचार, आत्मबल, ये सभी विचार सूर्य से ही किए जाते हैं। शरीर में अपंगता है, शरीर में जो बच्चे प्रारंभ से ही कुपोषित हो जाते हैं उनके ऊपर भी सूर्य का ही प्रभाव रहता है। इससे उनको कहा गया है कि सूर्य के समक्ष उनको बैठाला जाए, सूर्य की रोशनी में उनको लाया जाए छोटे बालकों को, जिससे उनके शरीर में शक्ति आवे, ताकत आ जाए, क्योंकि सूर्य से ही शरीर में बल मिलता है। सूर्य ही जठराग्नि है, सूर्य ही नेत्र है, इसे सूर्य को सबसे बड़ा ग्रह ज्योतिष में माना गया है। सूर्य के प्रभाव से सरकारी नौकरी, सरकारी राजकीय संबंधी जितने न्यायालय संबंधी जितने भी कार्य हैं ये सब सूर्य संबंधित होते हैं। प्रशासन में उच्च पद, राजकीय पद, नेता, मंत्री, विधायक, पार्षद, जितने भी प्रतिष्ठित सम्मानित और यश कीर्ति पाने वाले जातक हैं, जातिका हैं, उन सब में सूर्य की ही बलवत्ता देखी गई है, क्योंकि सूर्य ही एक ऐसे ग्रह हैं जिनके करीब अभी तक वैज्ञानिक भी उनके नज़दीक नहीं पहुंच पाए। सभी ग्रहों तक तो वैज्ञानिक भी पहुंचे हैं लेकिन आज तक सूर्य की, अभी कुछ दिन पहले एक तस्वीर कुछ करीब से सूर्य की ली गई थी। सूर्य एक आग का धधकता हुआ गोला है जो पूरे जगत को प्रकाशित करता है। हम कोई भी वस्तु यहाँ पर पृथ्वी पर छोड़ देते हैं, गिरा देते हैं, केला भी अगर डाल दीजिए तो सूख जाता है। तो कैसे सूख जाता है? उसका सूर्य ग्रह शोषण करते हैं, अपने अंदर खींचते हैं और वही सूर्य खींचने के बाद अन्य ग्रहों को प्रदान करने वाले सूर्य ही हैं। इसीलिए सूर्य को सबसे तेज ग्रह माना गया है। सूर्य ही सभी ग्रहों के राजा हैं, इसीलिए सूर्य ही से सभी ग्रह पौष्टिक तत्व, सूर्य से ही बल सभी ग्रह प्राप्त करते हैं। सभी जितने ग्रह हैं सभी सूर्य की ही परिक्रमा करते रहते हैं, सूर्य के ही चारों तरफ भ्रमण करते हैं, जिससे सूर्य से ही उनको बल मिलता है और उस बल से वो बलवान होते हैं और फिर धरती पर उनका प्रभाव
अन्य ग्रहों का पड़ता है। इसलिए सूर्य की जितनी भी व्याख्या की जाए उतनी ही कम है। सूर्य के प्रभाव में मदार की लकड़ी है, मसूर की दाल है, जितनी लाल और अग्नि तत्व से जिनका संबंध है, जैसे विद्युत हो गया, बिजली और अन्य जितनी भी इलेक्ट्रॉनिक जितनी भी सामग्री है, वो सभी तार है, लाइट है, आसमानी बिजली है, ये सभी सूर्य के ही प्रभाव में आती हैं। अगर सूर्य बलवान है तो मनुष्य को राजा बना सकता है, और सूर्य अगर कमजोर है तो पिता के सुख को कम कर देता है, नेत्रों के प्रकाश को कम कर देता है, चश्मा लगने की स्थिति आ जाती है, सर में दर्द बना रहता है और आत्मबल घटने लगता है, कहीं भी जाने से घबराने मनुष्य लगता है, कोई सामने शत्रु है तो उससे पहले ही अंदर आत्मा से घबरा जाएगा मनुष्य। अगर सूर्य बलवान है तो ऐसी स्थितियां नहीं आती हैं। इससे सूर्य का बलवान करने के लिए भी कई उपचार हैं जो आगे अभी हम सूर्य के बारे में और चर्चा करेंगे। सूर्य को जल चढ़ाना हर एक मनुष्य को चाहिए। जल चढ़ाने से आत्मबल बढ़ेगा आपको विद्या में, क्योंकि हस्तरेखा में भी सूर्य रेखा देखी जाती है। अगर सूर्य रेखा जातक के हाथ में नहीं है तो ऐसा माना गया है कि वो विद्या ज्ञान उसको नहीं प्राप्त हो पाया, पूर्णतः विद्या में कमी, सरकारी नौकरी में कमी, प्राइवेट नौकरी तो मिल जाती है लेकिन प्राइवेट नौकरी में भी उच्च पद की प्राप्ति नहीं हो पाती है। इसलिए हमारे ज्योतिष में जो सबसे पहली चर्चा है वो भगवान भास्कर की ही चर्चा है, और भास्कर से ही, सूर्य से ही हमारी कुंडली का पता लगाया जाता है कि ये कुंडली में जातक कितना बलवान है और कितना इसकी कुंडली में यश कीर्ति प्राप्ति करने की योग हैं, ये राजनीति में जाएगा कि नहीं जाएगा, या इनके पिता, बाबा, परदादा, इन सभी का विचार भी सूर्य से ही किया जाता है। इससे सूर्य कुंडली में अच्छा होना आवश्यक है, और अगर नहीं अच्छा है तो उसके उपचार मनुष्य को करने चाहिए, जिससे वो इस धरातल पर, इस पृथ्वी पर सुखों की प्राप्ति कर सकें, और जिन कारणों से सूर्य कमजोर है उनको वो बलवान हो सके। तो पंडित जी, ये थी सूर्य ग्रह का जातक की कुंडली पर क्या प्रभाव पड़ता है। अब आप हमारे दर्शकों को आज की सारी राशियों के राशिफल बता दीजिए। ग्रहों के अनुसार सभी की राशियों पर क्या प्रभाव पड़ेगा, अलग अलग राशियों के बारे में आज हम चर्चा करेंगे। मेष राशि वाले जातकों के लिए आज का दिन बहुत अच्छा रहने वाला है, पराक्रम में वृद्धि होने वाली है, भाइयों से अच्छे संबंध रहेंगे, दूर की यात्राएं हो सकती हैं, संतान को लेकर के थोड़ा सा चिंता रहेगी, संतान के प्रति थोड़ा विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है, संतान को थोड़ा सा स्वास्थ्य में उतार चढ़ाव होने की संभावना रहेगी, कार्य क्षेत्र बनेंगे, धन का लाभ अच्छा है, वे थोड़ा सा आय से अधिक होने की संभावना आज रहेगी। चर्चा करेंगे वृक्ष राशि वाले जातकों के लिए। वृक्ष राशि वालों जातकों का आज का दिन बहुत ही अच्छा रहने वाला है, लाभ की पूरी संभावना है, थोड़ा सा पेट में विकार रहने की संभावना आज रहेगी, इसलिए शनि का थोड़ा सा उपचार करेंगे, हनुमान चालीसा का पाठ अगर हो सके तो आज के दिन करें, और उनका आज का दिन बहुत ही अच्छा रहने वाला है। चर्चा करेंगे मिथुन राशि वाले जातकों के लिए।
आज मन थोड़ा सा चंचल रहेगा, मन इधर उधर भटकेगा, एकाग्रता नहीं हो पाएगी, कार्य क्षेत्र में सफलता मिलेगी, रुके हुए आपके कार्य पूर्ण होंगे और कहीं ना कहीं यात्रा के भी योग बन रहे हैं, तो यात्रा भी आपकी हो सकती है। चर्चा करेंगे कर्क राशि वाले जातकों के लिए। कर्क राशि आज के दिन यात्रा के योग उनके बनेंगे। माता जी के स्वास्थ्य में थोड़ा सा ध्यान देना होगा, माता जी के स्वास्थ्य में उतार चढ़ाव की स्थिति बन सकती है, थोड़ा सा कमर में दर्द या पैर में दर्द रहने की संभावना है और दांत में पीड़ा हो सकती है, इससे थोड़ा सा सावधान रहें। चर्चा करेंगे सिंह राशि वाले जातकों के लिए। सिंह राशि वाले जातकों का आज का दिन बहुत ही अच्छा रहने वाला है। थोड़ा बृहस्पति का, गुरु भगवान का पूजन आज के दिन करें, गुरु का दान भी कर सकते हैं और लाभ के अवसर आज कहीं ना कहीं से धन प्राप्ति के भी योग बन रहे हैं, इसलिए आपको कहीं से लाभ भी हो सकता है। किसी से मन मुटाव की स्थिति बन सकती है, इसलिए किसी से भी झगड़ा मोल न लें और स्वास्थ्य का ध्यान रखें। दिन आज का आपका बहुत ही अच्छा रहने वाला है। चर्चा करेंगे कन्या राशि वालों जातकों के लिए। कन्या राशि जो कि बहुत अच्छा आज का दिन नहीं कह सकते हैं, मन थोड़ा सा शांत रहेगा, कहीं भी मन नहीं लगेगा और आपको हरी चीज़ों का आज कुछ न कुछ दान कर देना चाहिए। हरी वस्तु का या तो गणेश जी पर दुर्वा भी चढ़ा सकते हैं या कोई सब्जी, पालक, मूली, इस तरह की कोई भी हरी सब्जी ब्राह्मण को या मंदिर में दान करें और अपनी वाणी का सही प्रयोग करें। वाणी के द्वारा आज कोई भी अनबन की स्थितियां बन सकती है, इससे वाणी का विशेष ध्यान दें। चर्चा करेंगे तुला राशि वाले जातकों का। तुला राशि खाने पीने में विशेष ध्यान दें, तीखा और बहुत अधिक मिर्च मसालेदार या नॉनवेज अगर हो सके तो आज के दिन ना खाएं और मुख में कोई ना समस्या रहने के योग हैं, इसलिए मुख संबंधी रोग के लिए सावधान रहें। गुनगुने पानी से हल्का सा नमक डाल करके गलाला करें, आपका दिन आज बहुत अच्छा रहने वाला है। चर्चा करेंगे वृश्चिक राशि वाले जातकों के लिए। वृश्चिक राशि आज के दिन आपका बहुत अच्छा रहने वाला है, धन प्राप्ति के भी अच्छे योग बन रहे हैं। अगर आप शिक्षा में कोई एग्जाम या देने की उसमें हैं तो आपको सफलता अवश्य प्राप्त होगी, रुके हुए आपके कार्य आज पूर्ण होने के पूरे योग हैं। आज का दिन आपका बहुत ही अच्छा रहने वाला है। धनु राशि, कार्य क्षेत्र में आपको सफलता प्राप्त होगी, पेट संबंधी रोग आपको परेशान कर सकते हैं, इसलिए खाने पीने में विशेष ध्यान रखें। आपका दिन आज मंगलमय होगा, सभी आपके कार्य बनेंगे। चर्चा करेंगे मकर राशि वाले जातकों के लिए। मकर राशि वर्तमान समय में शनि की उतरते हुए 7:30 आपको कहीं ना कहीं से अच्छा धन लाभ के योग बन रहे हैं। थोड़ा सा कमर और पैर में दर्द या चोट रहने की लगने की संभावना है, जिससे आप वाहन सावधानी से चलाएं। चर्चा करेंगे कुंभ राशि वाले जातकों के लिए।
पत्नी से या जीवन साथी या मित्र से अनबन के योग हैं, तो आप आपसी झगड़ा ना करें। आपके लिए बहुत अच्छा समय है, लेकिन आपके समक्ष आपके पत्नी या पार्टनर से थोड़ी सी अनबन होने की संभावना है, जिससे हनुमान चालीसा का पाठ आप करें, समय आपका बहुत अच्छा है। चर्चा करेंगे मीन राशि वालों के लिए, पेट संबंधी विकारों से सावधान रहें, पेट में कोई विकार खाने पीने में विशेष ध्यान रखें, देव गुरु बृहस्पति की आराधना करें, आपका दिन मंगलमय होगा। इन तमाम जानकारियों के लिए पंडित जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। कल आपसे फिर मिलेंगे, तब तक के लिए देखते रहिए प्राइम टीवी। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।